एरो इंडिया शो के दौरान एचएल की तरफ से अपनी वुमेन कॉन्सेप्ट को एक नए नाम के साथ पेश किया गया जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और स्टेल्थी ड्रोन होने वाली है। तेजस एमके 2 की मेटल कटिंग से ठीक पहले ही इसके डिज़ाइन में कुछ नए चेंजेस कर दिए गए जो कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से करने के लिए रिकमेंड किए गए थे। रशिया की तरफ से अभी भारत को अपनी एंटी स्टेल्थ रडार और अपनी स्टेला मिसाइल सिस्टम की लेटेस्ट वेरिएंट को ऑफर किया जा रहा है। एरो इंडिया शो के दौरान पहली बार एचएल की तरफ से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स की पेंट स्कीम के साथ डिस्प्ले किया जाएगा। साथ ही डीआरडीओ की तरफ से अभी अपनी वीएलएसआर साम की पहली स्केल मॉडल को इस दौरान डिस्प्ले करने का फैसला किया गया है। और अंत में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी भारत को अपनी F-15EX एयरक्राफ्ट को फॉरेन मिलिट्री सेल के अंदर एक इंटर गवर्नमेंटल डील के तौर पर ऑफर करने की बात की गई है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट कैट्स वॉरियर सिस्टम को लेके है। आप सभी को पहले से ही पता होगा कि चेल की तरफ से इस बार एरो इंडिया शो में अपनी विंगमैन कॉन्सेप्ट का एक फुल स्केल मॉडल को डिस्प्ले करने की तैयारी किया जा रहा है। और अभी एचएल की तरफ से एरो इंडिया शो के दौरान एक नए नाम के साथ इसको डिस्प्ले किया जाएगा जिसका नाम कैट्स वॉरियर यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग विंगमैन ड्रोन सिस्टम रखा गया है। और इसको अभी जगुआर और तेजस MQ-1A जैसे एयरक्राफ्ट के साथ आगे चल के दुश्मन की हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ट्विटर के एक हैंडल बायो एरोस्पेस की तरफ से शेयर किए गए कुछ इमेजेस और एचएल के टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर की तरफ से शेयर किए कुछ वीडियो से पता लगा है कि स्विंगमैन कॉन्सेप्ट या कैट्स वॉरियर सिस्टम लगभग फुल स्टेल्थी डिजाइन होने वाली है और इसके दोनों साइड में इंटरनल वेपन बे मौजूद रहेंगे जिसमें ये स्मार्ट एंटी UFL वेपन को कैरी कर सकता है और इसे दुश्मन की हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी फ्यूचर वेरिएंट में VVR और क्लोज रेंज की मिसाइल भी मौजूद होने वाली हैं जिनको मदरशिप या इसके साथ उड़ने वाले रियल एयरक्राफ्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और दुश्मन की एयरक्राफ्ट के साथ डायरेक्टली एंगेज होने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें स्पेसिफिक रडार और सेंसर पैकेज दिए जाएंगे जो कि इसको अपने मदरशिप और मैंड एयरक्राफ्ट के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने में मदद करेगी और कोई भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए मदद करने वाली है। और ये रियल फाइटर जेट से साइज में थोड़ा छोटा है, पर देखा जाए तो जैसे कैप मिशन में एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन में उड़ान भरते हैं, ठीक वैसे ही अपने विंगमैन के साथ या स्क्वाड्रन लीडर के साथ फॉर्मेशन में उड़ान भर सकता है। इसमें अभी एचएल की तरफ से अपनी PT-AE-7 एरो इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और रिसेंट इमेज में देखा गया कि इसमें दो इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसकी रेंज की बात करें तो ये लगभग 800 किलोमीटर तक होने वाली है और एंड्योरेंस लगभग 80 मिनट के आसपास रहने वाली है। इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो ये लगभग 1.3 टन के आसपास होने वाली है और अभी इसकी जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 250 केजी के आसपास होने वाली है जिसमें ये दो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को कैरी कर सकता है। अगला अपडेट तेजस MQ-2 को लेके, जैसे कि कल आप में से बहुत सारे लोग तेजस MQ-2 के बारे में पूछ रहे थे कि एरो इंडिया शो के दौरान तेजस MQ-2 की जो नई मॉडल डिस्प्ले किया गया था उसमें प्रीवियस तेजस MQ-2 के मुकाबले क्या क्या नए चेंजेस किए गए थे। अब हालांकि एरो इंडिया शो ऑफिशियली कल से शुरू होने वाली है लेकिन अभी से ही इसके कुछ बैकग्राउंड इमेज सामने आ चुकी है जिसमें से तेजस MQ-2 की कुछ नई इमेज को वायु एरोस्पेस की तरफ से अपने ट्विटर हैंडल में शेयर किया गया था। अब देखा जाए तो तेजस MQ-2 के डिजाइन में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए जैसे कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के साथ हमको देखने को मिला है, लेकिन इसमें बस छोटे मोटे माइनर डिजाइन चेंज या फिर यूं कहें कि एनहांसमेंट वगैरह किया गया है। और ये सभी चेंजेस मेनली तेजस के फ्रंटल पार्ट में आपको देखने को मिलने वाली है, जैसे कि अभी तेजस MQ-2 की जो IRST सेंसर था उसकी पोजीशन लेफ्ट साइड के बदले उसको राइट साइड में कर दिया गया। अगर आप पुराने वाले तेजस MQ-2 की डिजाइन को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि तेजस MQ-2 का जो IRST सेंसर था वो लेफ्ट साइड में मौजूद था लेकिन अब ये राइट साइड में मौजूद रहने वाला है। अब इसको राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए ADA को स्पेशली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सजेशन दिया गया था, लेकिन IRST सेंसर की पोजीशन चेंज करने के बाद तेजस की जो मिड डे रिफिलिंग पॉड था उसको भी थोड़ा और लेफ्ट में खिसकाया गया है। और ये जो स्केल मॉडल अभी एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किया गया है इसमें तेजस MQ-2 की मिड डे रिफिलिंग पॉड को फिक्स करके दिखाया गया है, जबकि
एडीआई इसको रिटेगल करने की कोशिश करने वाली है और एडी का कहना है कि जो फाइनल डिजाइन अभी होने वाली है उस कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसको रिटेगल कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको दोनों ही साइड में मिराज फाइटर जेट की तरह स्प्लिट डक भी देखने को मिलने वाली, जो कि मेनली तेजस MK2 जिसको अभी LCAF MK2 कहा जा रहा है उसकी ड्रैग को रिड्यूस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इसकी पहली LSP यूनिट को HAL की तरफ से 2022 की सितंबर से अक्टूबर तक तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसके बाद 2023 में इसकी पहली टेस्ट राइड को कंडक्ट किया जाएगा। फिर इसको 4 साल तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, जिसके बाद ऑफिशियली 2027 तक इसको सर्विस में शामिल करने के लिए क्लियर कर दिया जाएगा। अगला अपडेट मॉब कंट्रोल व्हीकल को लेके है। आप सभी को पता होगा कि भारत में ऐसा है कि हर वक्त कोई ना कोई धरना देने के लिए बैठ जाता है और कोई भी नया रिफॉर्म लाने की कोशिश की जाती है तो उस बात को लेके काफ़ी सारा हंगामा होता है। अब कश्मीर में देखा जाए तो शुरू से ये सब चलता आ रहा है और फिर आर्टिकल 370 को हटाने के बाद से ये और ज़्यादा बढ़ गया था। अब ऐसे में बहुत बड़ी मॉब को कंट्रोल करने के लिए हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको काफ़ी सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसका अभी एक मैकेनिकल सोल्यूशन निकालते हुए काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से 3 मॉब कंट्रोल व्हीकल को डिज़ाइन किया गया है। इन 3 मॉब कंट्रोल व्हीकल में से एक 7.5 टन क्लास की है, एक 2.5 टन क्लास की और एक ट्रैक्टर वेस्ट व्हीकल है जिसको हाईली मोबाइल रखने की कोशिश किया गया है। अभी जो 3 प्रोटोटाइप दिखाया गया इनमें हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सोवेल, रिट्रैकेबल फ्रंट शील्ड और 360 डिग्री तक स्प्रे करने वाले सिस्टम दिए गए हैं, जिससे टीयर गैस या फिर फोम वगैरह स्प्रे किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें कैबिन प्रेशराइज सिस्टम, रिट्रैकेबल मल्टी वैरल टीयर गैस लॉन्चर सिस्टम, वाइड एंगल सर्वेलेंस सिस्टम, मल्टी चैनल वीडियो ट्रांसमिशन सिस्टम और GPS ट्रैकर और नेविगेटर सिस्टम दिए गए हैं। इन सिस्टम को अभी मेनली हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए डिजाइन किया गया था और हाल ही में इसका एक डेमो को भी दिखाया गया था और ये आगे चल के हमको किसी भी तरह की मॉब या रैड कंट्रोल जैसे सिचुएशन में काफ़ी मदद करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और रशिया को लेके है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत अभी रशिया से स्टेला गाइडेड मिसाइल सिस्टम को खरीदने वाला है। दिसंबर 2020 की एंड में इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि कलाश्निकोव के साथ स्टेला 9M333 मिसाइल सिस्टम को भारत को सप्लाई करने के लिए बातचीत किया जा रहा था। हालांकि इस डील को लेकर फर्दर इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दिया गया और अभी तक इसको लेकर भारत और रशिया के बीच बातचीत चल रही है। दिसंबर में रशिया की तरफ से अनाउंस कर दिया गया था कि रशिया की डोंगजू टेस्ट साइट में स्टेला मिसाइल सिस्टम को सफलता के साथ टेस्ट किया गया था। ये एक शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस मिसाइल है जो कि लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे कि एयरक्राफ्ट, ड्रोन या किसी भी तरह की क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और ये फायर एंड फॉरगेट टाइप की मिसाइल है जिनको 3 अलग अलग मोड में ऑपरेट किया जा सकता है। वहीं पर अगर इसकी मेन कंप्यूटर मिसाइल्स की बात करें तो उसमें हाफ एक्टिव सीकर और लेजर गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें फोटो कॉन्ट्रेस्ट और इंफ्रेट जैमिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसी दौरान रशिया की तरफ से भारत की पुरानी स्टेला 10M3 मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम को M4 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का ऑफर भी दिया गया था, जिनको रात में भी ऑपरेट किया जा सकता है। अभी इसके लिए रशिया की तरफ से टेक्निकल प्रपोजल को दिया गया था जिसमें भारत की पुरानी स्टेला सिस्टम को लेटेस्ट वेरिएंट में अपग्रेड किया जाने वाला है, जिसमें वो एक बेहतर इंजन के साथ साथ नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम और लॉन्चिंग सिस्टम को ऑफर कर रहे हैं। और अपग्रेड होने के बाद अभी इस मिसाइल में 5 kg तक के वॉरेड को कैरी किया जा सकता है, जो कि अभी प्रीवियस वेरियंट में बस 3 kg तक ही सीमित है। अगला अपडेट भी रशिया की तरफ से है। एरो इंडिया शो के दौरान रशिया की रोजोबोरोनो एक्सपोर्ट की तरफ से अभी अपनी प्राइमा एंटी स्टेल रडार को डिस्प्ले करने का फैसला किया गया है। वैसे रशिया की तरफ से इस बार एरो इंडिया शो में काफी सारे डिफेंस इक्विपमेंट डिस्प्ले किए जाने वाले हैं, लेकिन रशिया की तरफ से भी जानबूझकर प्राइमा एंटी स्टेल रडार को प्रमोट करने की कोशिश किया जा रहा है। रशिया का कहना है कि एक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसको इजीली कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात यह कि रडार आजकल के जो लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट है इनको आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। और रोजोबोरोनो एक्सपोर्ट के डिप्टी डायरेक्टर अलेक्जेंडर मिकाइव के मुताबिक ये रडार स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये 2D सर्वेलेंस रडार है जिनको अल्माज एंटी की तरफ से बनाया जाता है और इसे अभी के दौर के सभी एयरक्राफ्ट को एक्सट्रीम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिचुएशन में इफेक्टिवली ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक सिंगल व्हीकल के ऊपर ही माउंट किया जाता है, जिस वजह से इसको ऑपरेट करने के लिए बस 2 लोगों की जरूरत पड़ती है और इसको पूरी तरीके से डिप्लॉय करने के लिए बस 5 मिनट का वक्त लगता है। इसकी रेंज लगभग 320 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है, लेकिन ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को कितनी दूरी से डिटेक्ट कर पाता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि अगर ये स्टैंड अप रेंज से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अगला अपडेट भी एरो इंडिया शो के साथ जुड़ा हुआ है।
ये बात आप सभी को पहले से ही पता है कि HAL की तरफ से भी अपने इंटरनल फंड को इस्तेमाल करके लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की पहली 5 LSV यूनिट को बनाना शुरू किया जा चुका है, जिसमें से पहले 3 यूनिट को मार्च तक इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके बाद एरो इंडिया शो के दौरान 15 LCH के लिए फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाएगा, जिसमें आर्मी 5 और इंडियन एयरफोर्स 10 हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने वाली है। वैसे अभी तक आपने जितने भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को देखा होगा वो सभी के सभी HAL के प्रोटोटाइप थे, लेकिन अभी एरो इंडिया शो के दौरान पहली बार HAL की तरफ से इंडियन एयरफोर्स की पैटर्न की लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को डिस्प्ले किया जाएगा, जो कि ग्रे कलर में पेंट किया गया है। इसी के साथ ही DRDO की तरफ से इस बार एरो इंडिया शो के दौरान अपनी VLSR SAM की स्केल मॉडल को डिस्प्ले किया जाएगा। VLSR SAM को अस्त्र मिसाइल को बेस्ड करके डेवलप किया गया, बोथ इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसकी रेंज की बात करें तो लगभग 25 किलोमीटर तक होने वाली है, लेकिन जो एयरफोर्स वेरियंट होगा वह ट्रक माउंटेड मोबाइल सिस्टम होने वाली है, जबकि नेवल वेरियंट की बात करें तो एक कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम होगी जिसको हमारे सभी वॉर्सेस में तैनात किया जा सकता है। इसके लिए DRDO की तरफ से 8 सेल वाली वर्टिकल लॉन्चर सिस्टम को डेवलप किया गया, जो कि एक यूनिवर्सल सिस्टम होने वाली है जिसको इजीली किसी भी वॉर्सेस में फिट किया जा सकता है। और अभी हमारे जितने भी वॉर्सेस मौजूद है उन सभी में 8 सेल वाली वर्टिकल लॉन्च ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ में ज्यादा भी होते हैं, लेकिन जो ब्लॉक होते हैं वो 8 सेल के होते हैं, जिस वजह से इसको इजीली वहां पे फिट किया जा सकता है। अब VLSR SAM आगे चल के हमारी बैरक 1 सिस्टम को रिप्लेस करने वाली है, और इंडियन एयरफोर्स की जो वेरियंट होगी वो स्पाइडर मिसाइल सिस्टम को रिप्लेस करने वाली है। अगला अपडेट F-15EX को लेके, अब सभी को याद होगा पिछले कुछ दिनों में F-15EX को लेके काफी सारा हाइप चल रहा है, जब से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से बोइंग को सीधे तौर पर इसको भारत को ऑफर करने के लिए लाइसेंस दे दिया गया है। लेकिन फिर भी MMRCA टेंडर में F-15EX को काफी टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ने वाला है, और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से लगभग 3-3 फाइटर जेट को इसमें ऑफर किया गया है। लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से F-15 को भारत को फॉरेन मिलिट्री सेल के अंदर ऑफर किया जा रहा है। इसके बारे में बात करते हुए यूनाइटेड स्टेट की अंडर सेक्रेटरी केली सेबोल्ड ने बताया कि वो अभी F-15EX को लेकर सीधे भारत के साथ एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के बारे में बातचीत करने वाले हैं, और इसमें भारत को कटिंग एज US टेक्नोलॉजी को ऑफर करने का फैसला किया गया है, और सीधे वो इसमें F-15EX को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर F-15EX को खरीदने के लिए भारत को प्रेशराइज भी किया जा सकता है, क्योंकि MMRCA टेंडर में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने का कोई भी क्लॉज नहीं था और एक ओपन कंपटीशन वहाँ पे होने वाला था। लेकिन अगर F-15EX को यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे फॉरेन मिलिट्री सेल के अंदर भारत को ऑफर करने वाला है, तो इनको अपाची हेलीकॉप्टर की डील की तरह ऑफर किया जा सकता है, जिससे हालांकि जल्दी हमको डिलीवरी होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। साथ ही वो कैटसाट को लेके भी भारत को किसी भी रशियन इक्विपमेंट को खरीदने के लिए एक तरीके से मना कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर वो भारत पर सैंक्शन वगैरह लगाने की धमकी दे रहे हैं। तो हो सकता है S-400 डील के ऊपर सैंक्शन ना लगाने के लिए वो अभी भारत को F-15EX को MMRCA टेंडर में सिलेक्ट करने के लिए प्रेशराइज कर सकते हैं। लेकिन वैसे कंपटीशन के तौर पर देखा जाए तो F-15 सीधे तौर पर इस टेंडर में हमारे रिक्वायरमेंट में कभी भी फिट नहीं होने वाला है। अगला अपडेट तेजस को लेके है। जैसे कि पिछले कई दिनों से तेजस की प्रोडक्शन को लेकर बातचीत चल रही थी कि इसको इंक्रीज करने की जरूरत है, इसी वजह से HAL की तरफ से अभी तेजस की एक और प्रोडक्शन लाइन को सेटअप किया गया है, और आज इसको हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। इस अवसर पर स्पीच देते हुए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बताया है कि तेजस अपने फॉरेन कंपटीटर्स के मुकाबले इंजन, रडार, मेंटेनेंस और वेपन सिस्टम के मामले में काफी बेहतर है, और अभी इसकी एडवांस वेरिएंट यानी कि तेजस MQ-1A को लेके भी बहुत ही जल्द इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फाइनल कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाएगा, जिसकी कीमत लगभग 48,000 करोड़ के आसपास होने वाली है। अभी कुछ फॉरेन कंट्री की तरफ से भी तेजस MQ-1A को खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, लेकिन वो कौन से देश हैं इसके बारे में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने पब्लिकली कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अभी आने वाले 3-4 सालों के अंदर इसकी प्रोडक्शन शुरू होने वाली और HAL की तरफ से इसको एक्सपोर्ट करने का सबसे ज्यादा एम रखा गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।